नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी है और इस शराबबंदी को कारगर बनाने के लिए बिहार सरकार तरह तरह के तकनीक निकाल रही है। अभी हाल ही में शराब अड्डों की पहचान के लिए ड्रोन लाया गया था, जिससे यह ड्रोन जहां अवैध शराब बनाई जाती है उसका पता लगा सके। किंतु हाल ही में कुछ दिन पहले अवैध शराब की खोज में निकले 60 लाख का ड्रोन छपरा में गायब हो गया। ड्रोन के गायब होने को लेकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अवैध शराब के निर्माण और खरीद बिक्री की निगरानी के लिए खरीदे गए ड्रोन के गायब होने पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि इस पर कोई जवाब क्या दें, आपने अपने कानून के संरक्षण में जिसको लगाया था उसी का संरक्षण नहीं कर पाए, इसलिए बिहार और बिहार के लोगों की छवि खराब होती है। यह वह प्रदेश है जहां बांध को चूहे कुतर जाते हैं। इस छवि को सुधारने में मुख्यमंत्री जी नाकाम साबित हुए। वहीं बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के बयान पर कहा कि हर कोई आएगा और अपनी बात करेगा, बोलने का अधिकार हर व्यक्ति को है, लेकिन देश सिर्फ संविधान से चला है। 75 सालों से जिस तरह से संविधान चला है उसी के मुताबिक देश चलेगा। आगे क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, देखिए इस वीडियो में। कानून की मिसाल देते हैं नीतीश कुमार, उसके लिए अब एक 60 लाख का ड्रोन खरीदा गया था, वो चोरी हो गया। मंत्री कह रहे हैं कि तकनीकी वजह से गायब हो गया। अब बताइए, अब क्या कोई जवाब दे भाई। हम लोग एक ऐसे प्रदेश से हम लोग आते हैं, इसीलिए तो भाई प्रदेश बदनाम होता है ना। क्यों बदनाम हो रहा है? इसीलिए बदनाम हो रहा। आपने अपने कानून के संरक्षण के लिए जिस चीज़ को आपने खरीदा उसी का ही आप संरक्षण नहीं कर पाए। ये वही प्रदेश है भैया जहाँ पे पुल हवा में गिर जाता है, बांध को चूहे कुतर जाते हैं। और यही कारण है कि बिहार बदनाम होता है, यही कारण है कि बिहारी बदनाम होते हैं। और इस छवि को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास फुर्सत है नहीं। वो देश भर में किस मॉडल के साथ घूमने जाएंगे भैया कि हम अपने आम ड्रोन को हम सुरक्षित नहीं कर सकते पर हम देश को सुरक्षित करने हम जाएंगे? किस मॉडल के साथ देश का नेतृत्व करने की सोच के साथ मुख्यमंत्री दरवाजे दरवाजे अर्जी लेकर जा रहे हैं? हकीकत है विजनलेस है ये सरकार। इस सरकार के पास विकसित बिहार को बनाने की, बिहार की इमेज को सुधारने की, बिहार की अस्मिता को लेकर कोई सोच कोई विजन है ही नहीं सरकार। सवाल है कि हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? भाई संविधान के अलावा कोई और विकल्प है इस देश को चलाने का? है कोई विकल्प? हर कोई आएगा अपनी बात करेगा और रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है यार, हर व्यक्ति को अधिकार है। आपकी कल को जो सोच होगी, बोलने की आज़ादी है आपको, आप अपनी सोच को आप रखिएगा, पर अंतोगत्वा होगा तो संविधान के आधार पर ही ना। पिछले 75 साल में देश चला है तो संविधान के आधार पर ही चला है। लोग दुनिया भर का जाके ढिंडोरा पीट लें, ये विपक्ष के लोग घूमते रहते हैं, संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, क्या चुनाव होने बंद हो गए क्या देश भर में? क्या संविधान का अपमान करके राजनीतिक दलों ने अपने अपने कानून बनाने शुरू कर दिए? भाई संविधान से सब बंधे हुए हैं। हर धर्म के लोग आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, स्वाभाविक है वो, पर अंतोगत्वा देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर ही चलेगा, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है।